मणिपुर में चल रहे हिंसा के बीच मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने किया अपने बिहारियों को हाई अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मणिपुर में इन दिनों हिंसा लगातार जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चल रहे इस हिंसा में अब तक 54 लोगों की जान चली गई है। वहीं इस वायलेंस के बीच मणिपुर में रहने वाले तमाम बिहारियों की सुरक्षा को लेकर नीतीश सरकार ने चिंता जताई है। सीएम ने अलर्ट जारी करते हुए मुख्य सचिव आमिर सुभानी को निर्देश दिया है कि वे मणिपुर में रह रहे बिहारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जो भी बिहारी वापस आना चाहते हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ वापस लाया जाए। मणिपुर में चल रहे हिंसा के पीछे का कारण क्या है, ये आपको थोड़ा संक्षेप में बताते हैं। दरअसल मणिपुर में हिंदू और ईसाई धर्म के लोगों के बीच एक हिंसक संघर्ष चल रहा है, जिसकी वजह से वहां स्थितियां काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। भारत सरकार इस हिंसा को लेकर काफी गंभीर है। यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा के चलते अपना कर्नाटक का दौरा भी रद्द कर दिया है। बता दें कि मणिपुर के कई जिलों में हिंसा हुई है। जनजातीय समूहों द्वारा रैली निकालने के बाद हिंसा की आग और तेजी से भड़क उठी। मणिपुर में बिगड़े हालात को देखकर लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। सेना के प्रवक्ता के अनुसार अब तक हिंसाग्रस्त चूरचंदपुर में करीब 5,000 लोगों को सेफ जगहों पर पहुंचाया गया है। साथ ही राज्य के 8 जिलों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा भी पूरी तरह बंद है। वहीं राज्य में लगातार बढ़ रही हिंसा को देखते हुए मोबाइल डेटा के बाद मणिपुर में ब्रॉडबैंड सेवाएं भी पूरी तरह निलंबित कर दी गई। रिलायंस जियो फाइबर, एयरटेल, एक्सट्रीम, BSNL सभी ब्रॉडबैंड और डेटा सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। जगह जगह पर सेना के जवान भी तैनात किए गए हैं, जिसके बाद से ही वहां अब भड़की हुई हिंसा धीरे धीरे शांत हो रही है। चलिए हाजिर होंगे अगली वीडियो को लेकर, तब तक देखते रहिए इनसाइडर लाइव।